हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 64 को शुरू करते हैं। आपसे निवेदन है कि ये पार्ट सुनने के लिए हेडफोन्स का इस्तेमाल करें। अब तक हमने देखा था इबो गुस्सा होकर ब्लैंकेट के पीछे छुप गया था, जहाँ पर जान उसे समझाता है और उसे बाहर लेकर आता है। जान की गोद में बैठा हुआ इबो कह रहा था, उसे प्रॉमिस करो जब भी तुम बाहर जाओगे किसी टूर पर तो तुम मुझे सब कुछ बताया करोगे जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ। इस पर जान ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, यस बेबी। इस पर इबो ने जान की तरफ घूर कर देखा और जान ने उसके एक्सप्रेशन देखते हुए कहा, आई प्रॉमिस इबो, जब भी मैं बाहर जाऊँगा मैं सब कुछ तुम्हें बताया करूँगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम मुझे सज़ा भी दे सकते हो। इस पर इबो आश्चर्य से बोला, रियली मिस्टर सेन? तो जान ने कहा, यस मिस्टर शाओवांग। फिर उसने इबो की तरफ देखकर पूछा, तो क्या मुझे माफ़ी मिल गई? नहीं, इबो ने कहा। तो जान ने पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए अपने हस्बैंड से माफ़ी पाने के लिए? अब इबो ने जान की तरफ देखकर कहा, मुझे भूख लगी है, डिनर बनाइए। इबो की बात सुनकर जान चौंक गया, उसे इस तरह के जवाब की तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसे कोई जवाब न मिलता देखकर इबो ने फिर से एक बार कहा, मिस्टर सेन मुझे भूख लगी है। अब जान अपनी होश में लौटा, यस लव, उसने कहा। फिर उसने सीधे खड़े होते हुए पूछा, तुम डिनर में क्या खाना चाहोगे? अब इबो ने स्माइल करके कहा, फ्राइड राइस और फ्रेंच फ्राइज। इतना सुनते ही ओके लव कहकर जान तुरंत इबो के लिए डिनर बनाने के लिए निकला। रात के 11 बज रहे थे जब जान ने इबो का बताया हुआ सब कुछ बना दिया और अब दोनों शांति से फायरप्लेस के सामने बैठकर डिनर कर रहे थे। अचानक से इबो ने एक फ्रेंच फ्राइज जान के सामने पकड़ते हुए कहा, ओल्ड मैन इसे खाओ। जान चौंक गया, इबो अचानक से ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? पर फिर भी इबो का मन रखने के लिए उसने मुँह खोला, पर फ्रेंच फ्राइज उसके मुँह में आने से पहले ही इबो ने हाथ पीछे खींच लिया और खुद खाकर हंसने लगा। ये देखकर जान अब भी शौक में था। जब उसने इबो की तरफ देखा तो इबो ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत स्लो हो ओल्ड मैन। जान के माथे पर शिकन आ गई। इबो ने फिर से एक बार वैसा ही किया, जान के सामने फ्रेंच फ्राई रखी और कहा, अब इसे खाकर दिखाओ। इबो की बात सुनकर जान ने फिर से एक बार वो फ्रेंच फ्राइज खाने के लिए मुँह खोला, पर इबो ने फिर से हाथ पीछे खींच लिया और कहा, तुम बहुत लेजी हो ओल्ड मैन। जान के माथे की शिकन और भी बढ़ गई और इबो ने फिर से एक बार वही चीज़ दोहराई, फिर से एक बार जान के मुँह के सामने फ्रेंच फ्राई रखी और फिर से एक बार उसे खा लिया। पर इस बार जान भी पीछे नहीं हटने वाला, उसने तुरंत आगे बढ़कर इबो के लिप्स को लिख कर लिया। इस अचानक के किस से इबो इतना शौक में चला गया कि उसे समझ ही नहीं आया उसे जान को प्रोटेस्ट भी करना है, और जब तक वो होश में आता जान ने किस को डीप कर दिया जिससे अपने आप ही इबो की आंखें बंद हो गई। और जब जान को यह समझ आया कि इबो उसके गले में हाथ डाल चुका है तो उसने इबो पर अपनी पकड़ कस ली और उसके लोअर लिप को बाइट किया। तब इबो मौन कर उठा और यही मौका पाकर जान ने उसके माउथ में एंटर किया। इबो इससे संभला भी नहीं था कि जान ने उसे खींचकर अपनी गोद में ले लिया और उसे रफली किस करने लगा। लगातार 5 मिनट तक किस करता ही रहा। जब उसने किस ब्रेक किया तब जान ने पूछा, तो कौन हॉट है? इबो जो अपनी सांसों की आपूर्ति कर रहा था उसे पहले तो समझ ही नहीं आया कि जान क्या बात कर रहा है। दरजान जिसके हाथ पहले ही इबो को छू रहे थे उसने स्मग किया और इबो के एडम एप्पल पर अपने लिप्स रखे। इबो तो और भी चौंक गया और इससे पहले कि वो जान को डांटे जान ने उसे सक करना शुरू किया। इबो की तो सांस ही अटक गई। जान के लिप्स उसे अपने नेक पर महसूस हो रहे थे और उसके हाथ इबो के थाइस को कैरेस कर रहे थे। इबो तो अभी और भी जोर से चिल्ला उठा और यह देखकर जान ने कहा, तुम्हें तो सज़ा मिलेगी लव, किसी और को देखने के लिए, अपने हस्बैंड के सामने उसे हॉट कहने के लिए। इतना कहते ही जान ने इबो को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे प्रिंसेस स्टाइल कैरी किया ऊपर बेडरूम की तरफ। पूरा शहर शांत था सिवाय कुछ यंगस्टर्स के जो क्लबिंग कर रहे थे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। और इधर शाओ के फॉरेस्ट मेंशन में
मिस्टर शाह अपने प्यारे से हस्बैंड को प्रिंसेस कैरी करके ऊपर बेडरूम में ले जा रहे थे। उस यंगर को तो पता भी नहीं था उसका सीधा सा चिढ़ाना उसकी हालत इतनी ख़राब कर देगा। कदम दर कदम जहन सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, वैसे ही इबू के बदन पर रोमांच उठ रहे थे। वो हल्की सी आवाज़ में बोला, ओल्ड मैन। अफसान नीचे झुका, इबू के कान पर निबल करते हुए उसने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। इबू अब गहरी सांसें लेने लगा था। गो प्लीज़, इबू बोल पड़ा। फाइनली वो बेडरूम के दरवाजे तक पहुंच गए। जहन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला वो तुरंत बेड की तरफ चलने लगा और इबू को उसने बेड पर फेंक दिया। बेड पर बाउंस करके इबू सेटल हो और वहाँ से हिले इससे पहले ही जहन उसके ऊपर आ गया, जिससे इबू बुरी तरह से शॉक हो गया। जहन का चेहरा इबू के बिल्कुल ऊपर था। वो अपनी नाक इबू के गाल पर रब कर रहा था। इबू तो सांस लेना तक भूल गया था। इबू ने जहन के शर्ट को टाइटली पकड़ लिया था। वो बस आंखें बंद करके जहन के टच को महसूस कर रहा था। यह देखकर जहन स्माइल करते हुए बोला, तुम कहाँ भाग रहे हो किटन? इबू, जो जहन के टच में खो चुका था, उसकी हस्की आवाज़ सुनकर तुरंत आंखें खोलते हुए बोला, कहीं नहीं। इस पर जहन स्मक करते हुए बोला, श्योर हो? जहन ने अब इबू के कान पर बाइट कर लिया, जिससे इबू गहरी सांस लेने लगा। अब जहन ने अपने नाक से इबू के कान उसके नेक पर रब करना शुरू किया। इबू तो लगभग अपने होश खो ही चुका था और जितना इबू जहन को रिस्पॉन्स कर रहा था उतना ही जहन उसकी खुशबू में खो रहा था। जहन की हरकत से इबू आगे झुका और उसके लोअर बॉडी पार्ट जहन से रब कर गए। इससे जहन में और भी जोश भर गया। उसने इबू के शर्ट का एक बटन खोल दिया बस उसकी कॉलर बोन देखने के लिए। जहन की हरकत से इबू ने अपनी सांस रोक ली। तभी जहन उस एक्सपोज जगह पर अपनी नाक से रब करने लगा और इबू ने गहरी सांस लेकर जहन के बाल पकड़ लिए। इबू के हाथ अपने बालों पर पाकर जहन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और इबू की नेक पर जगह जगह किस करने लगा, बाइट करने लगा। और जहन के दांत अपने नेक पर पाकर इबू फिर से एक बार बहुत ज़ोर से मौन कर गया। उसकी आवाज़ सुनकर जहन अचानक से रुक गया। उसने इबू को पुकारा, वो इबू जो आँखें बंद करके गहरी सांसें लेते हुए अपने हस्बैंड के टच को महसूस कर रहा था, उसने तुरंत आँखें खोल कर कहा, हाँ। तो जहन उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम मेरे हो मिस्टर शाओवांग। इतना कहते ही उसने तुरंत इबो के लिप्स कैप्चर कर लिए और इबो ने जहन पर अपनी पकड़ कस ली। वो बुरी तरह से शॉक हो चुका था जहन के पजेसिवनेस से, पर तुरंत वो उस किस को रिस्पॉन्ड भी करने लगा, जिससे जहन के चेहरे पर स्माइल आ गई। अब वो और भी आगे बढ़ा, इबो के लिप्स को लिक करने लगा, बाइट करने लगा। पिछले 4 दिनों से वो उसे मिस कर रहा था, इसलिए इस हर एक पल का वो बहुत बुरी तरह से फ़ायदा उठाना चाहता था। जहन को इतना अग्रेसिव होते देखकर इबू से सहा नहीं गया। उसके सॉफ्ट फ्लैश में जहन के दांत गड़ रहे थे। इसे इबू फिर से एक बार मौन कर उठा, हबी। पर जहन रुकने का नाम नहीं ले रहा था, हर एक मौके का फ़ायदा उठा रहा था। इबू ने जैसे ही मुँह खोला, जहन ने फिर से एक बार अपनी टंग उसके माउथ में इंसर्ट कर दी और फिर इबू को ब्रेथलेस होने तक वो किस करता रहा। 5 मिनट बाद किस ब्रेक करके बोला, तुम्हें सज़ा मिलने वाली है लव। इबू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्या सच में जहन उसे सज़ा देने वाला है? पर एक बात तो थी, जहन के इस सब कारने में से इबू के बॉडी में बहुत तेज़ी से हीट फैल रही थी और उसे डर लगने की बजाय एक्साइटमेंट महसूस हो रही थी कि जहन आगे क्या करना चाहता है। उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली और जहन की हरकतें फिर से एक बार महसूस करने लगा। जहन अब इबू के नेक पर तब तक सक करता रहा जब तक उसका मन नहीं भरा। उसके एडम एप्पल को पूरी तरह से किस से भर देने के बाद वो थोड़ा और नीचे झुका और इबू के चेस्ट तक पहुँच गया। वहाँ पर सेंटर पर किस करने के बाद जहन ने मुस्कुरा कर उसके एक तरफ के निपल पर लिख करना शुरू किया। इबू ने चिल्लाकर बेडशीट को जोर से पकड़ लिया। जहन ने अभी तक इबू का शर्ट भी नहीं खुला था, फिर भी वो जो कुछ भी कर रहा था
ईबो उससे पागल होता जा रहा था और ईबो की आवाज़ें सुनकर जान और भी एक्साइटेड होता जा रहा था। अब उसने ईबो के शर्ट का एक और बटन खोल दिया। जैसे जैसे जान आगे बढ़ने लगा, ईबो अपने आप को जान की पकड़ से छुटाने की कोशिश करने लगा, पर ईबो की आवाज़ें सुनकर उसकी हरकतें देखकर जान और भी ज़्यादा एक्साइटेड होता गया और आखिरकार उसने ईबो की शर्ट हटा ही दी। बिना शर्ट के ईबो की नेकेड बॉडी जान के नीचे थी और उसे देखकर जान पागल हो रहा था। ईबो के खूबसूरत शरीर को देखकर जान वहीं पर रुक गया और अपने हस्बैंड को अचानक से ऐसे रुकता हुआ देखकर ईबो के अंदर अचानक से एक गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। जान पर चिल्लाने के लिए उसने अपनी आँखें खोली, पर जिस तरह से जान उसे देख रहा था, ईबो की धड़कनें पूरी तरह से बेकाबू हो गई। ईबो को आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए जान ने नोटिस किया वो उसे फिर से एक बार किस करने वाला था, पर वो रुक गया और ईबो की तरफ देखते हुए बोला, लव? ईबो ने हाँ में जवाब दिया तो जान ने कहा, आई नीड यू बेब। जान की आंखें देखकर ईबो की हालत वैसे ही ख़राब हो गई थी, पर जब जान ने ये कहा, ईबो को समझ नहीं आया उसे क्या जवाब देना चाहिए। अब उसने अपने आंखें बंद करके हमें सिर हिलाकर जान को ग्रीन सिग्नल दिया। अभी वो किसी भी हालत में अपने हस्बैंड की वार्मथ नहीं खोना चाहता था। ईबो की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही जान ने अपने आप को रोकना छोड़ दिया। उसने ईबो को रफली किस करना शुरू किया, बाइट, सक और लिक करना शुरू किया, जब तक कि ईबो फिर से नहीं चिल्ला उठा। अब ईबो के लिए इतना काफ़ी नहीं था, उसे और चाहिए था। वो जान का नाम ले रहा था। जान ने फिर से एक बार ईबो के छीन पर एडम एप्पल पर किस किया और फिर से एक बार ईबो को छेड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, पर इस बार ईबो ने अपने हाथ जान के शर्ट के अंदर डाल दिए, जिससे जान को एक बहुत ही तेज झटका लगा। इससे जान ने तुरंत अपनी शर्ट उतार दी। वो भी ईबो के टच को फील करना चाहता था। जैसे ही उनकी बैर स्किन आपस में टकराई, दोनों ने सेटिस्फेक्शन में क्रॉल किया। जान ने ईबो के बॉडी पर अपना काम जारी रखा और ईबो जान की पीठ पर अपने हाथ से सहलाता रहा। धीरे धीरे जान ईबो के बॉडी को एंजॉय करता हुआ उसके नावल तक पहुंच गया, जहां के बटन पर पहुंचकर जान ने पूछा, क्या मैं? उसने ईबो की तरफ देखा। ईबो जो जान के टच में अपने होश पूरी तरह से खो चुका था, पूरी तरह से मैस बन चुका था, उसने अपनी आंखें खोलकर जान की तरफ देखा जो अभी उसके पैरों के बीच में बैठा हुआ था। अचानक से वो ब्लश करने लगा और अपनी आंखें बंद करके बस उसने हाँ में सिर हिलाया। अब जान ने फिर से एक बार ईबो के नावल पर किस किया और ईबो फिर से चिल्ला उठा, हबी। जान ने अब ईबो के पैंट का बटन भी खोल दिया। वहाँ पर एक वेट स्पॉट था जिसे जान घूर रहा था और ईबो श्रम से पानी पानी हो चुका था। ये देखकर जान ने चकल करते हुए कहा, तो पप्पी पेट है? ईबो की हालत ऐसी हो गई, काटा तो खून नहीं, अब वो जान से छुपे तो छुपे कैसे? तभी जान ने उसे लिख करते हुए कहा, ये तो टेस्टी है। ईबो पूरी तरह से मैस बन चुका था, चिल्ला रहा था, पर जान तुरंत ऊपर उठा। ईबो के लिप्स को कैप्चर करते हुए उसने ईबो की प्रॉपर्टी को अपने हाथ में लिया। वो फिर से एक बार ईबो को ओपन माउथ किस करने लगा और ईबो का ध्यान भटकते ही जान ने अपना हाथ ईबो के अंडरवेयर में डाल दिया। ईबो जान की पकड़ से छूटने के लिए बहुत पूरी तरह से स्ट्रगल करने लगा। तभी जान ने ईबो के गालों को बहुत हार्शली पकड़ लिया और किस ब्रेक करते हुए हंस की आवाज़ में कहा, स्ट्रगल करना बंद करो किटन। ईबो ने तुरंत जान की बात मान ली तो जान ने स्माइल करके कहा, गुड किटन। जान ने पूरी तरह से ईबो पर कंट्रोल पा लिया था। ईबो बस जान की हरकतों को देखकर उसका नाम ले रहा था, उसे पुकार रहा था। इतना ज़्यादा प्लेजर उसे पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। पर तभी जान ने किस ब्रेक किया और ईबो के हाथ को अपने प्रॉपर्टी पर ले जाते हुए कहा, ये तुम्हारा है लव। ईबो को बहुत तेज झटका लगा, वो अपना हाथ पीछे हटाने वाला था, पर अचानक से उसके अंदर का पजेसिवनेस जाग गया और उसने अपने हाथ तुरंत बहुत जोर से कस लिए।
तो जान ग्रोन करता हुआ बोला, यस लव। जान की आवाज़ सुनकर ईबो की आंखें और भी नशीली हो गई। उसने तुरंत जान के कपड़े नीचे खींच लिए, पर लिटिल जान को देखते ही ईबो का सारा कॉन्फिडेंस हवा हो गया। उसकी एक्सपेक्टेशन और समझ से लिटिल जान काफ़ी बड़ा था। ईबो की सांसें अटक गई। जान को उसने डरते हुए जान की तरफ देखा तो जान ने मुस्करा कर कहा, तुम्हें पसंद आया? ईबो ने अपनी आंखें बंद कर ली, सब कुछ जान के ऊपर सौंप दिया। तो जान ने दोनों के कपड़े पूरी तरह से खोल दिए और कहा, तुम्हें तो सज़ा मिलेगी बेबी, किसी और को हॉट बुलाने के लिए, किसी और को अपने हस्बैंड के रूप में चाहने के लिए। फिर से एक बार ईबो के लिप्स तक पहुंच गया और कहा, तैयार हो जाओ किटन। अब ईबो भी डीपली क्रॉल करता हुआ बोला, हाँ। अब जान ने बिना किस ब्रेक किए उन दोनों की प्रॉपर्टी हाथ में ली और दोनों को प्लेजर करने लगा। ईबो एग्रेसिव होने लगा तो जान ने उसे बीच में रोकते हुए उसके कान में पूछा, तो कौन हॉट है लव? ईबो के माथे पर शिकन आ गई। एक तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से पता नहीं जान क्या बड़बड़ा रहा था। वो जान को बैक करता हुआ बोला, प्लीज़ गो। ईबो ने फिर से एक बार जान के टच को महसूस करने के लिए थोड़ा सा मूव कर फ्रिक्शन पैदा करने की कोशिश की, पर जान ने उसे रोकते हुए कहा, पहले मुझे बताओ कौन हॉट है आप जान को। ईबो तुरंत बोल पड़ा और साथ ही चिल्लाया, प्लीज़ प्लीज़ आगे बढ़ो। अब जान ने फिर से ईबो को प्लेजर करना जारी रखा। लगभग आधे घंटे बाद जान एक बहुत बड़ा ग्रोल करके ईबो के ऊपर गिर गया। उसे संभलने के लिए थोड़ा वक्त लगा। फिर जब वो होश में लौटा और उसने ईबो की तरफ झुककर देखा तो ईबो पहले से ही सो चुका था बहुत ही आराम से। तो जान चकल करते हुए बोला, बस इतने में ही थक गए लव। फिर उसने ईबो के माथे पर किस करते हुए कहा, जब तुम सच में मुझे पालोगे तब तुम्हारा क्या होगा? जान ने सोते हुए ईबो के लिप्स पर किस किया, फिर उठ खड़ा हुआ और वॉशरूम की तरफ चला गया। वापस आते वक्त अपने साथ एक गीला कपड़ा और थोड़ा गर्म पानी लेकर आया। उसने कबर्ड से ईबो के कपड़े भी निकाल लिए। फिर उसे ठीक से क्लीन करने के बाद जान ने ईबो को कपड़े पहनाए, फिर खुद नहाने के लिए चला गया। जब वो लौटा ईबो बड़े आराम से सो रहा था। जान भी उसके बगल में लेट गया। ईबो ने जब अपनी फैमिली और वार्मथ पाई वो तुरंत जान की बाहों में आ गया, उसे लिपट गया। इसे देखकर जान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने ईबो के माथे पर किस किया और अब दोनों ही बहुत गहरी नींद में सो गए। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांग शैन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।